पहला कष्ट मतलब पूर्णतः आप, आपका एटीट्यूड, आपकी हेल्थ, आपका पेरेंट्स, आपके सोच विचार, लेकिन प्रमुख तौर पर सबसे मेन सिग्निफिकेशन जो है वो फर्स्ट हाउस का आपकी हेल्थ है। कई दफा मन में एक प्रश्न उठता है कि कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। फिर लगता है कि सभी हाउसेज इंपॉर्टेंट है, भाई दूसरे घर से पैसा आना है, दूसरा घर सस्टेनेंस का है, तो अगर पैसा होगा तो कुछ खा पाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, दूसरे घर में भोजन भी है। फिर लगता है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म नहीं किया तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, तो 10th हाउस सबसे महत्वपूर्ण लगता है। फिर लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो इस जीवन में कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भागता है, इसलिए कोई कहेगा कि 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर हाउस की तरफ देखो तो उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस निकल के आती है, लेकिन उन सबके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है वो है प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस। बिकॉज ये बताएगा कि आपके जीवन में आपके शरीर का हाल क्या रहेगा। क्यों? मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कह रहे हो भाई इसके पास तो पैसा भरपूर रहेगा। आपको किसी का 10th हाउस बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहोगे भाई इसके पास स्टेटस रहेगा, काम बहुत बढ़िया चलेगा इसका। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम कहने का अर्थ क्या है कि कई दफा आप देखेंगे कि कुछ लोग शारीरिक रूप से इतने पीड़ित होते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, उनकी लाइफ इतनी उसकी उनकी लाइफ में इतनी फिजिकल लेवल पर स्ट्रगल होती है कि उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना दूभर हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हो सकता है कि फिजिकल डिफेक्ट जो है वो किसी बहुत बड़ी बीमारी की वजह से उनको हो। कुछ लोग बेचारे बेड रिडन हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप किसी का हॉरोस्कोप देखें, चाहे अपना देखें चाहे किसी और का देखें, तो आपने फर्स्ट हाउस को इम्पोर्टेंस जरूर देनी है, बिकॉज ये आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। तो प्राइम चीज क्या है? हेल्थ है। इसके अलावा आपके एटीट्यूड, अपीयरेंस, ये सब चीजें जो हैं ये किस में आती है? फर्स्ट हाउस में आती है। इसके बाद, फर्स्ट हाउस के बाद आती है बारी सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस को वेल्थ का हाउस कहा गया है, ठीक है जी। अब वेल्थ से जो इस हाउस को जोड़ा है वो क्यों जोड़ा है? बिकॉज सेकेंड हाउस जो है ये हमारे सस्टेनेंस का हाउस है, कि हम इस जगत में सस्टेन कैसे करते हैं। सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी व्यक्ति को इस धरातल पर जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना उसको कब मिलेगा? खाना उसको तब मिलेगा जब उसके पास जेब में पैसे होंगे। तो आपके जेब के पैसे जो है वो सेकंड हाउस बताता है। आपका सेकंड हाउस अगर अच्छा है तो आपके जीवन में कैश लिक्विडिटी अच्छी होगी, आपके पास कैश की भरमार होगी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपके पास हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बताने का कार्य करता है जी सेकंड हाउस। इसके अलावा सेकंड हाउस आपकी स्पीच की भी जानकारी देता है, किस प्रकार की वाणी है आपकी, आप बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं,
तो सेकंड हाउस इस चीज का भी है, आपके खान पान को भी बताता है किस प्रकार का भोजन आपको पसंद है। लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं, नॉनवेज ज्यादा पसंद करते हैं, तीखा ज्यादा पसंद है, तो ये सब चीजें जो है आपको सेकंड हाउस के द्वारा पता चलती है, सेकंड हाउस का डोमेन है। थर्ड हाउस का जो सबसे प्राइम सिग्निफिकेंस है आज की डेट में, अगर अपने आप से बात करें तो थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स हैं, थर्ड हाउस आपके भाई बहन है। आपके भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा थर्ड हाउस से पता चलेगा। जिन लोगों का थर्ड हाउस बहुत अच्छा कुंडली में आपको दिखाई देगा उनको थर्ड हाउस की चीजों के द्वारा लाभ होगा, या थर्ड हाउस की चीजों के द्वारा उनको सुख की प्राप्ति होगी। वो क्या है? थर्ड हाउस में मार्केटिंग है, थर्ड हाउस में कमीशनिंग है, थर्ड हाउस में डॉक्यूमेंटेशन है, थर्ड हाउस में टूर एंड ट्रेवल है, थर्ड हाउस में एजेंसी बिजनेस भी है। एजेंसी बिजनेस से कहने का मतलब समझ लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको अपनी कुंडलियों में भी समझना है कि मेरी कुंडली में कौन सा हाउस मेरे लिए फेवरेबल है। यदि फेवरेबल है तो आपको उस हाउस से जुड़कर कोई एक्टिविटी करनी होगी ताकि आप वेल्थ को जनरेट कर सके। हर व्यक्ति पूछता है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कि भाई मेरे को वेल्थ कहां से आएगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं बना जो वेल्थ नहीं जनरेट कर सकता। बस उसको पता करना है कि उसकी वेल्थ का रास्ता है कहां से। तो थर्ड हाउस जो है वो एजेंसी बिजनेस को भी बताता है, जिसको आप फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है फ्रेंचाइजी लेकर कार्य कर रहे हो, या फ्रेंचाइजी या कोई एजेंसी लेने की सोच रहे हो। तो जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो थर्ड हाउस, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस की जब आप बात करते हैं तो फोर्थ हाउस है आपका निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब जिस घर में आप वास कर रहे हैं, फोर्थ हाउस से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। फोर्थ हाउस खराब है, फोर्थ हाउस परेशानी में है, इसका मतलब व्यक्ति क्या डोमेस्टिक पीस, उसका जो डोमेस्टिक पीस है वो खराब हो जाएगा। घर के अंदर कलेश रहेगा, कलह रहेगी। फोर्थ हाउस जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, फोर्थ हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन है, मुख्य भाव पढ़ाई का। आप लोगों ने पराशरी ज्योतिष पढ़ा या कभी पढ़ेंगे तो मुख्य भाव जो है वो विद्या का पंचम है, पंचम भाव से विद्या देखी जाती है। बट यहाँ के पी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम चौथे भाव से विद्या का अध्ययन करते हैं, ठीक है जी। प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वास्तु कर रहे होंगे या वास्तु कंसल्टेंट होंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप चौथे घर का कार्य कर रहे हैं। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, इसका मतलब आप चौथे घर का कार्य कर रहे हैं। तो चौथा घर यदि आपकी कुंडली में सही होगा तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता, अब यहाँ पे माता का स्वास्थ्य क्यों लिया, देखिए आपको हर हाउस को ना कोरिलेट करना है। कोरिलेट कैसे करना है, जैसे फर्स्ट हाउस को आपने अपना स्वास्थ्य लिया था, चौथा घर किसका होता है, माता का होता है। तो अगर हम आपकी कुंडली को चतुर्थ भाव से देखेंगे, चतुर्थ भाव के विद रेफरेंस टू अगर उसको स्टडी करेंगे, तो चौथा घर है वो प्रथम भाव बन जाएगा माता का। तो चौथे घर से माता का स्वास्थ्य पता चलता है, चौथे घर से आपको प्रॉपर्टी का पता चलता है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, चौथे घर से आप वास्तु से पैसा बना पाएंगे या नहीं, इस बात का पता चलता है, ठीक है जी।
एजुकेशन फील्ड में जो लोग रहने रहना चाहते हैं उसका चौथे घर से पता चलता है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़कर कार्य करना चाहते हो, बिल्डर बनना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो, तो भी चौथे घर से जाएंगे। व्हीकल्स चौथे घर से, ठीक है जी। तो फोर्थ हाउस की अपनी इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ हाउस पंचम भाव। अब देखिए, एक ज्योतिषी के लिए पंचम भाव का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है पंचम। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से कंफर्ट, कंफर्ट भी उसी का ही है भाई, फोर्थ हाउस का है। देखिए, अगर मैं आपको हर हाउस की सिग्निफिकेशन बताऊं ना, तो सिग्निफिकेशंस तो एक हाउस की 1000 निकल जाएंगी, लेकिन यहां पर जिन सिग्निफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, ये वो सिग्निफिकेशंस हैं जिनका वास्ता आपके डेली लाइफ में, जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं चीजों को आप लोगों को दे रहा हूं। तो फिफ्थ हाउस जो है पंचम भाव, पंचम भाव है सॉल्यूशंस का, ठीक है जी। इंटीरियर आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, जब मैं आप लोगों को प्रश्न का वो दूंगा ना समय, आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। जब आप लोगों को समय दिया जाएगा अपना प्रश्न करने का, आप कर लीजिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। अभी आप यहाँ पर बीच में कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्या है कि वो मेरा जो फ्लो है वो टूट जाएगा, तो मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में फिर आप पूछ लीजिएगा जब आपका समय मिलेगा। अगर आज भी बाय चांस आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए, मान लीजिए आज आपको समय नहीं मिला, तो मैं कल आपको पूरा 1 घंटा, यानी कि आज की क्लास का भी समय और कल की क्लास का भी, तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा रहेगा वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के लिए दे दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ सुनिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, ठीक है जी। तो फिफ्थ हाउस जो है पंचम भाव सॉल्यूशंस का है, सॉल्यूशंस मतलब उपाय का है। अगर पंचम भाव आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप पंचम भाव की चीजों के द्वारा धनार्जन कर सकते हैं। पंचम भाव की चीजें कौन कौन सी? क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक टैलेंट, यानी कि वो लोग जो एक्टिंग लाइन में है, एक्टर्स हैं, वो पंचम भाव के लोग हैं। वो लोग जो बच्चों से जुड़कर कुछ भी कार्य करते हैं वो पंचम भाव के लोग, बिकॉज पांचवा घर जो है वो चाइल्ड बर्थ का भी है। आप और चाइल्ड, चाइल्ड में भी कौन सा, उसको चाइल्ड बर्थ के लिए भी देखते हैं और फर्स्ट चाइल्ड की हेल्थ के लिए भी देखते हैं कि आपका जो प्रथम संतान है उसकी हेल्थ जो है वो कैसी रहे, उसके लिए भी स्टडी करते हैं। पंचम भाव एडवाइजरी का भी है, जो लोग एडवाइज करते हैं, एडवाइजिंग फील्ड में रहते हैं, वो भी पंचम भाव से। जो लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, जो लोग टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन या एडवाइजरी देते हैं, वो पंचम भाव है। किसी भी प्रकार की लर्निंग पंचम भाव है। जो खेल आप खेलते हैं यानी कि स्पोर्ट्स, वो भी पंचम भाव है। तो ये पंचम भाव का डोमेन है। अगर अच्छा है कुंडली में तो फिफ्थ हाउस से आप लाभ ले सकते हैं, अच्छा नहीं है तो आपकी फिफ्थ हाउस की जो सिग्निफिकेशंस है वो सफर करेगी। छठे घर में आते हैं जी। छठा घर किस चीज का है? छठा घर है सर्विसेज का। छठा घर है सर्विसेज का, सर्विसेज यानी कि सेवा। अब सेवा जो हमने यहां शब्द कहा, तो सेवा से मतलब सिर्फ सर्विस नहीं है। अब छठे घर को सिर्फ लोग कहते हैं भाई जॉब है, जॉब एक प्रकार की सेवा है, लेकिन छठे घर में सेवा से जुड़े बिजनेसेस भी आते हैं। वो बिजनेस जिसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की सेवा इन्वॉल्व है, किसी ना किसी प्रकार की सर्विस इन्वॉल्व है, वो छठे भाव में आते हैं। छठे भाव के अंदर डॉक्टर्स भी आते हैं, छठे घर के अंदर लॉयर्स भी आते हैं, छठे घर के अंदर
फाइनेंसर्स भी आते हैं, लेकिन आज के समय में मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में छठा घर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आज के समय में अगर आप पूछें कि इस सृष्टि को कौन से घर रूल कर रहे हैं, वैसे तो ठीक है, हर घर का अपना रूल है, हर घर अपना एक्टिविटी इस संसार में अपनी कर रहा है, लेकिन इस पूरे संसार को तीन ही घर चला रहे हैं देखा जाए तो, 6, 8 और 12 आज के समय में, और यही वो घर है जो आपको परेशान भी कर रहे हैं। भाई छठा क्यों कर रहा है? छठा इसलिए कर रहा है, रोग भी वहां से है, शत्रु भी वहां से है, और ऋण भी वहां से है, डेट। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना रोग चाहेगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने ऊपर कर्जा चाहेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोर्ट की शक्ल देखना चाहेगा। तो रोग रिपु ऋण जो है वो छठे घर का पार्ट है, लेकिन आज की डेट में सबको जो है कोई ना कोई रोग भी है, हर किसी का कोई ना कोई शत्रु भी है, और हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी ऋण में दबा हुआ है, चाहे वो आर्थिक ऋण हो, चाहे किसी और प्रकार का ऋण हो। तो छठे घर से आप कंपटीशन भी देखते हैं, कंपटीशन यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार से कंपीट करना है, चाहे वो किसी से फाइट हो, चाहे वो किसी एग्जाम में बैठने से रिलेटेड कोई कंपटीशन हो, तो ये सब छठे घर से देखा जाता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो छठे घर का काम है वो है कि छठा घर आपको आपकी मेहनत की एवज में मिलने वाले पैसे के बारे में बताता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस समय एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन उनके अंदर एक कमी हो। क्या कमी? कि भाई वो सामने वाले से अपना पैसा नहीं मांग पाते हो, उनको उनसे वो पैसा नहीं मांगा जाता, सर्विसेज दे दी सामने वाले को, उपाय भी बता दिया, अब पैसा नहीं बोल पा रहे, अब क्या करेंगे? अगर आपका छठा घर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप सामने वाले से जो है वो मनी चार्ज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये तो चलो कस्टमर की एवज में मिलने वाला जो पैसा है ये तो इम्पोर्टेंट है। अब बहुत से लोग जो बिजनेस के अंदर है उनकी पेमेंट्स जो है वो भी छठा घर है, इसलिए जब भी कोई बिजनेसमैन आपसे ये शिकायत करे कि भैया मेरी मार्केट में पेमेंटें बहुत फंसी हुई, तो आपको छठा घर ही बताएगा क्यों फंसी हुई है, किसके कारण फंसी। दूसरा क्या है कि आज की डेट में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक जरूरत पड़ती है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको लोन लेना पड़ता है, तो आपको लोन किससे मिलेगा ये भी छठा घर बताएगा। तो छठे घर के ये सब सिग्निफिकेशन है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एक्टिव होती है, छठा घर वो है। छठा घर आपके सेट रूटीन के बारे में भी बताता है, ये ध्यान रखिएगा। सेट रूटीन का मतलब क्या है? जो लोग छठे घर का जो व्यक्ति होगा वो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएगा। डिसिप्लिन्ड किससे? छठा घर आपको डाइटिंग करवाएगा, अरे मेरे को ज्यादा नहीं खाना भाई। छठा घर आपको एक्सरसाइज भी करवाएगा ताकि आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सके। तो छठे घर की बहुत मुख्य भूमिका है आपकी लाइफ में आज की डेट। फिर आती है बात जी सातवें घर कि सातवां घर क्या करता है। सातवां घर सबसे पहले बताता है आपके मैरिटल रिलेशंस के बारे में कि भैया आपकी शादी कैसे चलेगी, शादी कहाँ होगी, जीवन साथी किस प्रकार का होगा, शादी में किस किस प्रकार की चीजें जो है वो पिक्चर में आएगी, शादी जिससे है उसके प्रति प्रेम रहेगा, उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, या उससे झगड़े होंगे, या उसके साथ में सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है
ये सातवें घर में है। इसके अलावा सातवां घर जो है वो आपके डेली सेल परचेज का है या डेली इंटरेक्शन का है। जितने भी बिजनेसेस हैं जिसमें डेली सेल परचेज या डेली इंटरेक्शन होता है, जैसे कि रिटेल बिजनेस देखें, रिटेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नॉर्मली आदमी डेली बेसिस पर जो है वो इंटरेक्ट करता है दूसरों से, क्लाइंट्स के साथ में, तो ये भी सेवंथ हाउस का पार्ट है। फिर आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट हाउस जो बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजर का सबसे सहायक हाउस। एक एस्ट्रोलॉजर की गाड़ी कभी भी आठवें घर के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि आठवें घर में सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है कष्ट और पीड़ा, यानी कि मिजरी और प्रॉब्लम। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी व्यक्ति चलकर आया है तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी पीड़ा या अपने कष्ट निवारण के लिए आपके पास आया है। आठवां घर आपको कष्ट भी देगा, पीड़ा भी देगा। आठवां घर सुसाइडल टेंडेंसीज का भी है, आठवां घर पेन का भी है, आठवां घर सफरिंग का भी है। आठवें घर में एडिक्शन भी है, जिन लोगों को लत लगती है वो भी आठवां घर है। एक्सीडेंट आठवें घर से होता है, सर्जरी आठवां घर करवाता है। तो ये सब तो कुछ तकलीफ देह चीजें हो गई आठवें घर की, लेकिन आठवें घर का इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपकी लॉन्जिविटी के लिए। आपकी आयु का मुख्य भाव है अष्टम, एट्थ हाउस। दूसरा एट्थ हाउस जो है वो आपकी हिडन एक्टिविटीज के बारे में भी बताता है। आठवां घर जो है, सेकंड हाउस को आपने बोला कैश लिक्विडिटी। अब कई लोग आठवें घर से, जैसे डावरी होता है या आपके पीएफ का पैसा होता है, वो सब लेते हैं। लेकिन मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में अगर आठवें घर को आप स्टडी करें तो आठवां घर किस चीज का? आठवां घर अनैतिक प्रकार के धन का है, इलीगल मनी। इलीगल मनी में ब्राइब भी आती है, जिसको आप अंडर द टेबल इनकम भी बोलते हैं। तो आठवें घर में जो है डावरी है, ठीक है, आठवें घर में इनहेरिटेंस भी है। तो आठवां घर आपको बिना कमाया हुआ पैसा देता है, ठीक है जी। जितने भी ओकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, छुपे हुआ जो ज्ञान है वो आठवें घर से निकल के आता है, ठीक है जी। आज की डेट में आठवां घर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने कहा कि आज के युग में तीन घर पूरी दुनिया को चला रहे, छह आठ बारह, उसमें आठवें घर का क्या रोल है? आठवां घर टैक्सेशन को बताता है। टैक्सेशन मतलब हर प्रकार का टैक्स जो है वो आठवां घर है। जीएसटी हो गया या सेल टैक्स हो गया या किसी प्रकार का भी टैक्स जो है वो आठवें घर के अंदर आता है। इसलिए वो लोग जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो आठवां घर है। कई लोग ऑडिट फर्म्स के अंदर काम करते हैं, जो ऑडिटिंग करते हैं चीजों की, तो ऑडिट भी आठवां घर है, टैक्सेशन आठवां घर है, ठीक है जी। सर्जन्स आठवें घर से देखे जाते हैं, इंजीनियर्स जो है वो आठवें घर से देखे जाते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या टेक्निकल एक्टिविटीज जो है वो आठवें घर की है, रिसर्च जो है वो आठवें घर की है। तो आठवां घर जो है वो एक वास्ट डोमेन है और बहुत से सिग्निफिकेशंस आठवें घर के ऐसे हैं जो आज की डेट में हमारी लाइफ में हर सेकंड हमारे साथ में जो है वो घटित होते रहते हैं। नाइन्थ हाउस नवम भाव, नाइन्थ हाउस है कंसल्टेंसी का, नाइन्थ हाउस है गाइडेंस का।
अब आप सोच रहे होंगे कि फिफ्थ हाउस में मैंने एक बात कही, फिफ्थ हाउस में मैंने बोला कि फिफ्थ हाउस एडवाइजरी का है और नाइन्थ हाउस किसका है, नाइन्थ हाउस कंसल्टेंसी का है। तो एडवाइजरी और कंसल्टेंसी ये दोनों लगभग एक से ही एक्टिविटीज हैं, ठीक है जी। तो फिफ्थ और नाइन्थ इन दोनों हाउसेस को हमने लेना होता है जब हम इस प्रकार की काम कर रहे हो। खासकर जो एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम कैसे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, तो भाई आपका फिफ्थ और नाइन्थ हाउस जो है वो बताएगा। और आपके फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का रिलेशन अगर आपके टेंथ हाउस के साथ बनता है तो आप एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो नाइन्थ हाउस फादर का भी है, नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी है, नाइन्थ हाउस गुरु भी है, लक। फिर आ गया टेंथ हाउस। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपके पास आएंगे वो आएंगे करियर से जुड़े हुए, काम काज से जुड़े हुए। कौन सा काम मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, कौन सा काम करूं, कैसा रहेगा जी मेरा काम, करियर में स्टेटस कैसा रहेगा, इन सब बातों का जवाब आपको टेंथ हाउस से मिलता है। टेंथ हाउस आपका प्राइम हाउस है करियर का, टेंथ हाउस ही स्टेटस का है, टेंथ हाउस गवर्नमेंट का भी है, टेंथ हाउस पॉलिटिक्स का भी है। टेंथ हाउस से ही हम आपकी प्रमोशन भी देखते हैं, बिकॉज स्टेटस हो गया। फिर आया इलेवेंथ हाउस, एकादश भाव। इलेवेंथ हाउस हर प्रकार का गेम है, हर प्रकार का। इलेवेंथ हाउस आपका सोशल सर्कल है, जिस सोशल सर्कल में आप रहते हैं। इलेवेंथ हाउस सोसाइटी है, इलेवेंथ हाउस एनजीओ है, इलेवेंथ हाउस क्लब है, ट्वेल्थ हाउस मैंने कहा तीन हाउसेस, छठा हो गया, आठवां हो गया और एक हो गया ट्वेल्थ। क्यों? बिकॉज ट्वेल्थ हाउस आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब अपना आपका खर्चा। आज की डेट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, कुछ ना कुछ खर्चा ना करना पड़े। तो आपके जो 12 भाव है उसमें 12वें भाव का जो सबसे पहला काम है वो एक्सपेंडिचर का है। इसके अलावा 12वें घर का जो सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि 12वां घर आपको आइसोलेट करने का काम करता है, आपको अकेला करने का काम करता है। अब आइसोलेशन व्यक्ति किन किन स्थितियों में आता है, मान लीजिए वो जेल चला गया, आइसोलेट हो गया, अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो आइसोलेट हो गया, या फिर कहिए कि फॉरेन कंट्री गया है तो अपने सोशल सर्कल से वो जो है वो आइसोलेट हो गया। तो बेसिकली ट्वेल्थ हाउस जो है आइसोलेशन का भी, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन कंट्री के अंदर आपकी सेटलमेंट को भी बताता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं भी सेटल होना चाहते हैं तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपकी फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट होगी कि नहीं उसके बारे में बताए। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का भाव है। हमने कहा खर्चे का भाव, लेकिन खर्चे से भी पहले वो इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो आप ट्वेल्थ हाउस के द्वारा इन्वेस्टमेंट करोगे। ट्वेल्थ हाउसेस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ये आपके एक से लेकर 12 हाउसेस तक जो है वो मैंने बताया। ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं जो आपको बताएंगे। दूसरी शादी, भाई पहले पहली तो हो जाने, तो दूसरी शादी का मैं बता दूंगा। दूसरी शादी क्या है? एफडी आल्सो, एफडी। देखिए मैंने क्या कहा
इन्वेस्टमेंट इज 12th हाउस। तो आप किसी भी प्रकार इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो 12th हाउस के द्वारा करते हैं। लेकिन जब आप एफडी की बात करते हो तो एफडी किस चीज का एक एक्टिविटी है, एफडी जो एक्टिविटी आप करते हैं वो किस चीज के अंडर करते हैं, वो बैंक के अंडर करते हैं, तो वो बैंकिंग का एक पार्ट होता है। बैंकिंग कौन से घर में आती है, बैंकिंग कम्स अंडर सेकेंड हाउस। इसलिए एफडी जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड और ट्वेल्थ की एक जॉइंट एक्टिविटी है। ठीक है, आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम देखते हैं उसको। ठीक है, दूसरी शादी हम देखते हैं जी 9th हाउस। अब ये जो दूसरा जो शब्द बोला, इसके पीछे का आप लोग लॉजिक समझ लीजिए, ये आप सब, ये आपको हर चीज में काम आएगा। जब भी हम दूसरा शब्द बोलते हैं, जैसे कि पहला बच्चा है 5th हाउस, दूसरा बच्चा, तो जब दूसरा शब्द आता है तो हम उस हाउस से 3rd हाउस पर चले जाते हैं। तो पहला बच्चा क्या हुआ, 5th हाउस, सेकंड बच्चा क्या हो गया, 7th हाउस, फिर 3rd बच्चा जो है वो 9th हाउस। इसी तरीके से पहली पत्नी 7th हाउस, दूसरी पत्नी 9th, तीसरी पत्नी 11th। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली और रिलेशनशिप टाइम टू, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट मींस कि आप अपने जीवन की जो ऊर्जा है उसका व्यय, उसका एक्सपेंडिचर किसी एक चीज पर कर रहे हैं। तो जिसको हम खर्चा बोलते हैं वो खर्चा और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज की है, खर्चा और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है एक तरीके से। क्यों, अब किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे, अरे इसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यही बोलते हैं ना आप लोग कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। लेकिन उसने इन्वेस्ट करने से पहले तो खर्चा किया। अब आप कहीं मार्केट गए हो ग्रोसरी लेने, आपने जो है वेजिटेबल्स में आलू मटर खरीद लिए, तो आप ये कहेंगे हमने आलू मटर में इन्वेस्ट किया, आप कहोगे मैंने आलू मटर के लिए एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, तब जाके मेरे को वो चीज मिली। ठीक है जी, तो किसी भी प्रकार का व्यय, कोई भी खर्चा आप करेंगे वो 12th हाउस से होगा, इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से होगा। जॉब स्विच, जॉब का हाउस कौन सा है, विच इज द हाउस ऑफ जॉब, छठा है, विच इज द हाउस ऑफ लॉस या हाउस ऑफ लॉस इज 12th। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी घर का लॉस उसका 12वां घर करता है। तो अगर छठा घर जॉब है तो 5वां घर जॉब चेंज है। अब कई लोग जो है वो 9th हाउस को भी जॉब चेंज में कंसिडर करते हैं, ये सही है या गलत है, ये भी सही। क्यों, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस भी चेंज होता है, आपके स्टेटस में भी कहीं ना कहीं एक बदलाव आता है, कर्म में भी बदलाव आता है। इसलिए जब आपकी कुंडली में 5-9 ऑपरेट कर रहे होते हैं, मुख्य रूप से 5-9 ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो समय रहता है जिसमें आपकी जॉब चेंज होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे जब करियर वाले टॉपिक करेंगे।
क्लियर है अभी तक? मीनिंग बोथ 5 6। अरे मल्लिका अर्जुन जी, अभी बोथ 5 6 ऐसे नहीं होता। अभी मैं आगे जब आपको करवाऊंगा चीजें, अभी देखिए मैंने कल आप लोगों को कहा कि अभी ना आप आगे के प्रश्न मत पूछिए, अभी आपको जब तक मैं इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर ना कर दूं, तब तक आप लोगों के लिए मतलब आगे की चीजें पूछना, मैं आपको आंसर कर भी दूंगा तब भी आप लोगों को वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए। राशियां क्या करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ राशि? राशियां एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है या किसी भी चीज को ड्रेस पहनाने का काम करती है। अगर ज्योतिष में पूछो कि प्लैनेट हाउसेस और राशियों को डिफाइन किया जाए तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट कलाकार है। कलाकार मींस प्लैनेट एक एक्टर के रूप में काम करता है। जैसे फिल्म में देखा ना आपने, हर एक्टर को कोई ना कोई रोल दे दिया जाता है। एक हीरो के रूप में काम कर रहा है, एक विलन के रूप में काम कर रहा है, एक हीरोइन के रूप में काम कर रही है। तो ऐसे प्लैनेट जो है ना, प्लैनेट एक्टर है। और जो हाउस है, वो हाउस वो स्टेज है जिस स्टेज पर उन्होंने एक्ट करना है। और राशि क्या है? राशि वो ड्रेस है जिसको पहनकर एक्टर एक्ट करेगा। अब ड्रेस अलग अलग तरीके की पहन लेता है कोई 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 व्यक्ति ने जो है वो सोल्जर की ड्रेस पहनी हुई है, किसी ने जो है वो किसान जैसी ड्रेस पहनी हुई है। तो अब ये ड्रेस से जो अर्थ है वो किस तरीके का है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, आपके ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो मूवेबल साइन में है, ठीक है जी, तो आप अलग तरीके से एक्ट करेंगे। आपके ज्यादातर प्लैनेट यदि फिक्स्ड साइन में है तो आप अलग तरीके से एक्ट करेंगे। आपके ज्यादातर प्लैनेट यदि ड्यूअल साइन में है, द्वि स्वभाव राशि, तो आप अलग तरीके से एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपके कौन कौन सी राशियों के कौन कौन सी ग्रुपिंग है। उस ग्रुपिंग के अंदर तीन पार्ट हैं। वो ग्रुपिंग जो है वो तीन तरीके से डिवाइडेड होती है। कैसे? सबसे पहला ग्रुप है मूवेबल साइन का। मूवेबल साइन मतलब चर राशि। चर राशियों में कौन आता है? चर राशियों में आता है आपका 1 4 7 और 10। जितने भी आप जो भी आपके 12 साइंस हैं, उन 12 साइंस के अंदर जो 4 साइन है, फर्स्ट साइन, फोर्थ साइन, सेवंथ साइन एंड 10th साइन, यानी कि पहला मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये आती है मूवेबल साइन। उसके बाद में जो स्थिर राशियां हैं जिनको हम फिक्स्ड साइन बोलते हैं, जिनका नेचर स्थिर रहने का है, उसके अंदर आती है दूसरी राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि और 11वीं राशि, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और फिर आती है द्वि स्वभाव राशि। द्वि स्वभाव राशि वो जो स्थिरता भी रखे हुए है अपने अंदर और चर भी रखे हुए है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट भी है और उसके अंदर एक फिक्स्ड बिहेवियर भी है उसका, तो इसके अंदर दोनों आते हैं। तो वो कौन कौन सी है? तीसरी राशि, छठी राशि, 9th राशि और 12th राशि। अब हमने जो ये मूवेबल साइन का, फिक्स साइन का और ड्यूअल साइन का जो कंसेप्ट यहां पर लिया, वो क्यों लिया, ये क्या काम करेगा? देखिए,
किसी भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करने के लिए राशियां बड़ा अच्छा काम करती है। अगर मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत एक नॉलेज लेनी है, एक आइडिया लेना है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो मैं सबसे पहले राशियों पर नजर मारूंगा और देखूंगा आपके कितने प्लैनेट्स कौन कौन सी राशियों में। लेकिन किसी भी आदमी की बिहेवियर को, किसी भी आदमी के चरित्र को स्टडी करने के लिए तीन प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन प्लैनेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तीन प्लैनेट कौन कौन से है? पहला क्या है? फर्स्ट इज योर लग्न लॉर्ड। पहला प्लैनेट कौन है? आपका लग्न लॉर्ड, यानी कि आपके लग्न का स्वामी, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट। सब बाद में है, सबसे पहले वो प्लैनेट है। वो प्लैनेट सही, सब कुछ सही, ठीक। सेकंड, दूसरा है सन। सन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सन जो है वो फर्स्ट हाउस का कारक है, पहले घर का कारक है, वो सोल का कारक है, वो शरीर का भी कारक है। इसको बॉडी का भी कारक बोलते हैं, इसको सोल का भी कारक कहते हैं, यानी कि शरीर और आत्मा सूर्य है, ठीक है जी। और तीसरा प्लैनेट जो आपके लग्न लॉर्ड और सूर्य के अलावा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चंद्रमा, मून। मून जो है वो आपका मन है। अगर मुझे आपके आत्मा, आपका मन और आप खुद, अब ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड है आप। सूर्य कौन है? सूर्य है आपकी आत्मा। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है आपका मन, ठीक है। हम एक शब्द बोलते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है। ये बोला जाता है ना, बॉडी माइंड एंड सोल। अगर इस इन तीनों शब्दों को, बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीनों को एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट किया जाए, तो बॉडी बिकम्स योर लग्ना लॉर्ड, माइंड बिकम्स चंद्रमा एंड सोल बिकम सूर्य। तो इन तीनों का जो स्टडी है वो आपके चार्ट में बेहद आवश्यक है। अब मैं यदि कहूं कि मुझे आपका बिहेवियर अगर पता करना है, तो मैं आपके चार्ट को देखूंगा और उस चार्ट को देखकर मैं कि भाई आपका लग्न लॉर्ड कहाँ है, आपका सन कहाँ है और आपका मून कहाँ है, आपके नेचर के बारे में पता करूंगा। अगर मुझे पता चला कि आपके ये तीनों प्लैनेट या इसमें मेजॉरिटी, यानी कि सन और मून हो गए या लग्न लॉर्ड हो गया, ये अगर किसी एक साइन में या किसी एक कैटेगरी में इनकी प्लेसमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूंगा। फॉर एग्जांपल, आपका लग्न लॉर्ड जो है वो मूवेबल साइन में है, वो चर राशि में, तो मेरे को आपको लेकर क्या इंडिकेशन आएगी कि आपको एक्टिव रहना पसंद है, आपको चेंजेस पसंद है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का बदलाव हमेशा आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि चीजें बदलती रहे। अब फॉर एग्जांपल, आपका लग्न लॉर्ड सपोज कीजिए किसी मूवेबल साइन में है, तो आपको ना स्थिर चीजें बहुत पसंद नहीं आएंगी। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा स्थिरता, किसी चीज में बहुत फिक्स्ड चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। आपका मन करेगा कि एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए इस जगह पे रहते रहते, कोई और घर और किसी जगह चले जाते, बहुत समय हो गया इसी चीज को करते करते, चलो अब इस चीज से हटके किसी दूसरी चीज पर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजों से हटकर किसी दूसरी चीज पर मूव कर जाना, एक चीज पर स्थिर ना रहकर किसी दूसरी चीज पर जंप कर जाना,
ये किस राशि का चरित्र है? ये मूवेबल साइन का चरित्र। तो यदि आपका लग्न लॉर्ड मूवेबल साइन के अंदर है तो आपको हमेशा चेंजेस पसंद आएंगे, आपको हमेशा लाइफ में थोड़ा एक्टिव रहना पसंद है। मतलब कहने का क्या है कि यदि आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, चीजें भाग रही हैं, तो आप कंफर्टेबल रहो, और यदि आप किसी एक जगह पर रुक गए या कोई चीज आपके लिए रुक गई कहीं ना कहीं, तो आप सबसे पहले डिप्रेशन में आ जाओ। तो खुद को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका लग्ना लॉर्ड, आपका सन और आपका मून, यानी कि अगर ये तीनों प्लेनेट आपके मूवेबल साइन में है तो आप अपनी लाइफ को जितना मूवमेंट में रखोगे, जितना उसको चलायमान रखोगे, उतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ जो है वो सेटल्ड दिखेगी, उतनी ही ज्यादा आपको लाइफ अपनी जो है वो सॉर्टेड दिखेगी। ठीक है जी, नजर मार ली अपनी अपनी कुंडलियों पर सब लोगों ने? मैंने बोला था आप लोगों को कि अपनी अपनी कुंडलियां लेकर बैठना, सामने अपनी जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी कुंडली पे स्टडी करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक आइडिया मिलता रहेगा कि अच्छा अगर सर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज है, मेरे को मेरी कुंडली में दिख रही है, तो वो चीज जो है मैं समझ पा रहा हूं या समझ पा रही हूं कि ये हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो अरे रुकिए भाई, अभी मूवेबल से मैं फिक्स्ड पे आ रहा हूं, आप लोग सीधे क्वेश्चन पे, मैं सारी चीज बता रहा हूं, आपको चिंता मत कीजिए। तो मूवेबल साइन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब हर चीज के अंदर किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट। ठीक है, फिक्स्ड साइन, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मूवेबल साइन का चरित्र क्या, मूवेबल साइन का चरित्र है कि चीजों को मूवमेंट में रखना, और फिक्स्ड साइन का चरित्र क्या है, फिक्स्ड साइन का चरित्र है चीजों को फिक्स रखना, चीजों को एक जगह स्थिर कर देना, स्टेबिलिटी रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, जब आप ये जब भी आप ये सब छोटी छोटी चीजों को स्टडी करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी बेसिक सी चीज है और कितना सही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके पार्टनर, आप दोनों की कुंडलियां हैं अलग अलग, ठीक है जी, आपके पार्टनर का कोई लगन है, आपका कोई लगन, आपने देखा कि आपका लग्ना लॉर्ड फिक्स्ड साइन में स्थिर राशि में, आपके पार्टनर का जो लग्ना लॉर्ड है वो मूवेबल साइन में, तो जानते हो किस प्रकार की जो है वो आपस में वार्तालाप होगी। आपका पार्टनर कहेगा कि चलो चलते हैं, आप कहोगे छोड़ो ना जाके क्या करेंगे, बैठते हैं आराम से बात करते हैं, आपका पार्टनर कहेगा चलो ये जगह बदल लेते हैं, आप कहोगे क्या रखा है जगह बदलने में, मेरे को मत कहो बदलने के लिए, मैं अपना जहां हूं खुश। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? एक आदमी, एक व्यक्ति हमेशा चेंज की बात कर रहा है कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ वैसा करते हैं, और एक आदमी ठीक उसके सामने जो विपरीत है वो कह रहा है क्या करेंगे, क्या करेंगे मूव करके, आराम से बैठा नहीं जाता, आराम से टिका नहीं जाता, वो हमेशा टिकने की बात कर रहा है, वो हमेशा बैठने की बात कर रहा है। तो ये बैठना और मूव करते रहना, ये दोनों अलग अलग बिहेवियर हो। मूव करने का बिहेवियर मूवेबल साइन का है और टिक कर बैठने का जो बिहेवियर है वो स्थिर साइन का है। इसीलिए जब आपके प्लैनेट्स
अलग अलग साइन में होते हैं, तो वो आपके अंदर किस प्रकार की जो आपका बिहेवियर है उसमें किस प्रकार की चीजें रखते हैं। अब एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड साइन बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी है। फिक्स्ड साइन क्यों अच्छा है? क्योंकि ये स्थिरता देता है, ये स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि नाम क्या है, नाम से ही पता चलता है ना कि स्थिर है, स्टेबल है, फिक्स्ड है। लेकिन इसकी जो सबसे नेगेटिव एट्रीब्यूट है फिक्स साइन का, वो क्या है कि आदमी अड़ियल बन जाता है। अड़ियल इन द सेंस, मान लीजिए आपके पार्टनर का जो लग्न लॉर्ड है, सन है, मून है, ये फिक्स साइन में चले, तो फिक्स साइन में जाते ही आपके साथ में प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए आपकी कोई बात आपके पार्टनर को बुरी लग गई और आपके पार्टनर का लग्न लॉर्ड सन और मून फिक्स साइन में है, तो वो उस चीज को पकड़ कर बैठ जाए। पकड़ के बैठ जाना मतलब कि वो फिक्स्ड हो गया इस चीज पर। आपने बात की सुबह के समय, आप कह रहे हो क्या हुआ, वो कह रहा तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला। फिर आपने दोपहर को बात करी, वो नहीं बोला, आपने पूछा आप क्या हो गया, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला। फिर शाम को बात कर रहे हो तो तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला। पता चला एक साल बाद भी कभी ऐसा मूड हुआ तो आप पूछ रहे हो आज क्या हुआ, अरे एक साल पहले तुमने मुझे ऐसे बोला था, क्यों बोला। ये किसका नेचर है? ये फिक्स साइन का नेचर है। फिक्स्ड साइन जो है वो चीजों को स्थिर कर देता है आपके अंदर, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ये आपके नेचर का एक पार्ट हो जाता है। दूसरी बात, एक शब्द हम यूज करते हैं जिद, कि भाई ये व्यक्ति यदि जिद पे अड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो वो जो जिद है वो आपको फिक्स साइन प्रोवाइड करती है। आप देखिएगा कि वैसे तो हम सभी प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आपको सबसे जिद्दी लोग जो मिले वो चार लगन के लोग मिले। ये चार लगन के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से लगन के लोग सबसे ज्यादा जिद्दी हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये चार लगन के लोग जो हैं ये सबसे ज्यादा आपको जिद्दी मिले। और चार लगन के लोग ऐसे होंगे जो बात को आई गई कर देंगे, ठीक है यार हुआ तो ठीक है चलो छोड़ो। बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, जरा सा कुछ कहा और वो मोल्ड, ठीक है, मतलब उनके लिए एक लेट इट बी वाली चीज हो जाती है कि चलो छोड़ो यार मूव कर दो, मूव करते हैं। तो वो जो मूव करने वाले लगन है वो कौन है? वो है 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला, मकर। ये चीजों को पकड़ेंगे नहीं, ये मूव कर जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यही नहीं पता चलता कि आज ये किसी बात को पकड़ के बैठेंगे और कभी इनका मूड ऐसा हो जाएगा कि यार चलो कोई बात नहीं। क्योंकि उनके नेचर के अंदर क्या है, उनके नेचर के अंदर एक ड्यूअलिटी, एक दोहरापन। तो दोहरापन नेचर के अंदर डालने का कार्य जो करते हैं वो साइन करते हैं 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 and 12। तो ये साइंस का एट्रीब्यूट है। साइंस आपके इसी प्रकार आपकी लाइफ को चलाते हैं। इसके अलावा साइंस जो है इनका अपना एक नेचर भी है। नेचर इन द सेंस,
के इमोशंस के आधार पर, अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने मूवमेंट के आधार पर हमने साइंस को डिफरेंशिएट किया कि भाई स्थिर राशियां हैं, चर राशियां हैं, द्विस्वभाव। इसके अलावा इमोशंस के आधार पर भी साइंस का अपना एक महत्व है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो साइन 159 है, 159 मतलब 1, 5 और 9, ये अथॉरिटेटिव साइंस, ये अथॉरिटेटिव साइंस, ठीक है जी। इनके अंदर आपके ज्यादातर प्लैनेट होंगे तो आप एक अथॉरिटी के साथ काम करोगे, मेरी चलेगी, मेरी सुनो, मैं ये कह रहा हूं। अगर आपके प्लैनेट्स 2, 6, 10 के अंदर है, 2, 6, 10, तो 2, 6, 10 कौन से एलिमेंट में आ गए। अच्छा हाँ, मैं आपको एलिमेंट भी इसके साथ में कनेक्ट करना है अपने को, कि जितने भी फायर एलिमेंट के साइन है, जितने भी फायर एलिमेंट के साइन है, वो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपका नेचर, आपका बिहेवियर अथॉरिटेटिव कर देता है। कौन कौन से साइन है फायर साइन? 1, 5 और 9, 1, 5 और 9। ऐसे ही जितने भी आपके अर्थी साइंस हैं, अर्थ के जो साइंस हैं आपके, वो है 2, 6 और 10, 2, 6 और 10। तो 2, 6, 10 के अंदर अर्थी साइंस में क्या होता है? अर्थी साइंस में होता है प्रैक्टिकल नेचर। यानी कि अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट 159 में है, बिहेवियर को क्या बनाएंगे? अथॉरिटेटिव बनाएंगे। अगर आपका ज्यादातर प्लैनेट 2, 6, 10 में है, तो आपके बिहेवियर को कैसा बनाएगा? प्रैक्टिकल बनाएगा। आप लाइफ के प्रति प्रैक्टिकल रवैया अपनाएंगे। और यदि आपके ज्यादातर प्लैनेट 3, 7, 11 साइंस में होंगे, 3, 7, 11 में होंगे, तो आप जो रवैया अपनाएंगे, दैट रवैया विल बी इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब सूझबूझ के साथ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एंड देन यू विल स्पीक और देन यू विल एक्ट। बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत देखते हैं, फिर एक्ट करते हैं। कौन से लोग जिनके ज्यादातर प्लैनेट 3 में, 7 में या 11 में? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल से सोचते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको हर चीज दिल से करने वाली बात होती है, उसमें वो बर्बाद भी होते हैं और आबाद भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा अपने इमोशंस के थ्रू ही चलना होता है, अपने इमोशंस को यूज में लाते हैं वो हमेशा। तो इमोशंस को यूज में लाने वाले जो साइंस हैं, दे आर 4, 8 एंड 12, 4, 8 और 12, ठीक है जी। ये क्यों? क्योंकि ये कौन से साइंस है? ये वाटरी साइन है। और इंटेलेक्चुअल साइन जो है वो कौन से साइन है? वो एरी साइन। 1, 5, 9 फायर, 2, 6, 10 अर्थ, 3, 7, 11 एयर, 4, 8, 12 वाटर। तो साइन की ये थ्योरी, ये दो चीजों को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा वैसे तो एक और कैटेगरी है फ्रूटफुल साइंस की और बैरन साइंस की, लेकिन हम बेसिकली बैरन साइन को ही
जो है वो स्टडी करेंगे। क्यों? बैरनसाइन का बहुत मुख्य रूप से रोल आता है चाइल्ड बर्थ में, और कई दफा ये इतना सॉलिडली आपको बता देते हैं कि जो व्यक्ति सालों साल बेचारा पैसा खर्च रहा है कि भाई कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति हो जाए, दुनिया भर के उसने ट्रीटमेंट करा लिए, मेडिकल इंटरवेंशंस का यूज कर लिया तरह तरह की, लेकिन अगर ये साइन पिक्चर में आ गए तो आपको स्ट्रेट अवे बोलना पड़ेगा कि भैया आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल नहीं है, चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स जो चाइल्ड बर्थ दे रहे हैं वो कौन से साइन में है? बैरन साइन में। अब बैरन को हिंदी में क्या कहते हैं? बैरन का अर्थ होता बंजर। बंजर मतलब वो जिसमें खेती ना हो सके, इसलिए जिनके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होती, जिन साइंस के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होती उनको जो है हम बैरन साइन बोलते हैं। ठीक है जी। तो बैरन साइन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, अगर आप बैरन साइन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी कि देखो भाई ये हो रहा है यहां पर। अब इन सभी बैरन साइन में दो साइन जो है वो एक्सेस में बैरन है, मतलब उनको सबसे ज्यादा बैरन माना गया। वैसे तो आपके पांच या छह साइंस बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर एरीज, जेमिनाय, लियो और वर्गो, इसके अलावा कई दफा सेजिटेरियस को भी बैरन मान लेते हैं, लेकिन सेजिटेरियस को हम बैरन नहीं लेंगे। जो आपके साइन है 1, 3, 5 और 6, 1, 3, 5 and 6, 1, 3, 5 और 6, ये जो साइन है इनको बैरन मानते हैं, लेकिन इन साइंस में जो सबसे ज्यादा बैरन है वो दो साइन है, वो कौन कौन से हैं? 3 and 5, 3 and 5, जेमिनाय एंड लियो, ये सबसे ज्यादा बैरन। अगर आपके प्लैनेट्स इसमें आ गए तो हद से ज्यादा दिक्कत करेंगे। ठीक है, स्पेशली अगर चाइल्ड बर्थ वाले प्लैनेट है फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ना बोलना पड़ेगा साफ साफ, भाई बच्चा नहीं होगा मतलब नहीं होगा, बुरा मानो भला मानो। इसके अलावा कुछ साइन ऐसे हैं जो बड़े फ्रूटफुल हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, जैसे बैरन साइन होते हैं ऐसी फ्रूटफुल साइन भी होते हैं भाई। तो फ्रूटफुल साइन में कौन कौन आते हैं? सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हम किसे मानते हैं? सबसे ज्यादा फ्रूटफुल मानते हैं हम वॉटरी साइंस को। जितने भी वॉटरी साइन है बहुत फ्रूटफुल है, एक्सट्रीमली फ्रूटफुल है। ठीक है जी, कौन कौन से हो गए वॉटरी साइन? 4, 8 और 12। अगर आपके प्लैनेट्स कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसिस में है तो वो फ्रूटफुल है। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, फ्रूटफुल और बैरन, ये आपके बहुत काम आएगी आगे जब हम स्टडी करेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जब आप खुद भी अपना कुछ रिसर्च वर्क कर रहे होंगे तो बैरन साइन बहुत जगह आपकी हेल्प करेगी। शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है जी, करियर जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीजें जो है उसमें बहुत काम आएगा बैरन साइन का, फ्रूटफुल साइन का। ठीक, तो हाँ नौकरी में भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है।
हर चीज में बैरन और फ्रूटफुल तो काम आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर हम लोगों का कार्य क्या है? हम लोगों का कार्य ये है कि हम होरोस्कोप से एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बना सके कि वे हमारे प्लैनेट्स जो है क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार की एक स्क्रिप्ट जो है जनरेट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हम क्या करें उसके। ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, 4-5 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसमें आपके बहुत से जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक मैंने आपको राशियों के बारे में बताया। एंड देन फिर उसके आगे करते हैं कि क्या जो है वो काम करता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एक चीज आपको 2-3 चीजें लिखवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में 3-4 एग्जांपल लेता हूँ, देन फिर हम आगे बात करेंगे। राशि राशि मैं एलिमेंट्स पे आ गया।
आपका अगर कोई भी प्लैनेट ड्यूअल साइन में है ना, 3, 6, 9, 12 में, तो जैसा कि हम बोलते हैं कि भाई ड्यूअल साइन के पास जो है वो दोनों ही प्रकार की जो है क्वालिटी मौजूद रहती है, मूवेबल और फिक्स्ड की। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका प्लैनेट सन या मून कोई भी है, अगर वो पहले 15 डिग्री में है तो वो फिक्स साइन में काउंट होगा, और अगर वो लेटर 15 डिग्री में है तो वो मूवेबल साइन में काउंट होगा। ठीक है जी, आप में से बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा जिनका लग्न लॉर्ड जो है वो ड्यूअल साइन में है। चलो जी,
लिख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है जी, हो गया। मैं स्क्रीन रिमूव कर दूं ना, ठीक है जी। तो ओके 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 सॉरी, एक चीज और लिखवानी है मैंने आपको, फ्रूटफुल और बैरन वाली।
इसको नोट कर लीजिए, जब ये आपका नोट डाउन हो जाए बताइएगा। ये फिफ्थ इन नीदर बेरन और फ्रूटफुल। विभूति जी, यहाँ पे लॉर्ड की बात नहीं होती अरे भाई, यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड की बात होती है। तो जब हम कस्पल सब लॉर्ड्स को स्टडी करेंगे ना, तब मैं आप लोगों को केसेस बताऊंगा कि जिसमें व्यक्ति को जो है चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाया। और कई केसेस मैं ऐसे भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जो मैरिज जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, बिकॉज बैरल साइंस ने वहां पे अपना काम किया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जेमिनाई और लियो साइन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये हाईली बैरल है। बाकी भी है, एरीज और वो भी है, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा है। ठीक है जी, चलिए। तो बेसिकली ये जो साइन कैटेगरी है ना, इसको आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइन कैटेगरी है इसका एप्लीकेशन आपको सब जगह मिलेगा। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि किसी का लग्न लॉर्ड लेट से मूवेबल साइन है, तो वो एक मूविंग नेचर वाला बंदा हो गया। फिक्स में है तो एक स्टेबिलिटी को पसंद करने वाला व्यक्ति हो गया। और अगर ड्यूअल साइन में है तो ड्यूअल साइन के अंदर आपने ये देखना है कि आपका प्लैनेट कौन से 15 डिग्रीज के अंदर आता है। फर्स्ट 15 डिग्रीज में आता है, आप उसको फिक्स्ड साइन में कंसिडर करके चलिए। अगर वो लेटर 15 डिग्री में आता है तो आप उसको मूवेबल कंसिडर करके चलिए। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले लेते हैं। मेरे को कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी पोस्ट कर दीजिए, तो मैं उसको एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं। यहां पर बस 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 रुक जाइए अभी। ये हो गया जी 4 February 1998।
ठीक है जी, ये चार्ट देखिए आप। इस चार्ट के अंदर अपने को लग्ना लॉर्ड जो है, लग्ना लॉर्ड और मून ही लग्ना लॉर्ड भी है, तो मून की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है जी, मून लग्ना लॉर्ड भी है और खुद मून है ही, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। दोनों ही फिक्स साइन में है, सिर्फ सूर्य ऐसा है जो मूवेबल में है। तो यहां पर जो टेंडेंसी है व्यक्ति की, वो टेंडेंसी इस व्यक्ति को फिक्स्ड नेचर की तरफ ज्यादा ड्राइव करेगी। यानी कि व्यक्ति एक जगह स्थिर रहना चाहेगा, बहुत ज्यादा जो चेंजेस है वो पसंद नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। एक चीज और, अब यहां पर हमने व्यक्ति के नेचर की भी बात की थी कि व्यक्ति का नेचर कैसा रहेगा, व्यक्ति चीजों को किस प्रकार लेगा। वो एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड अपना के चलेगा, इंटेलेक्चुअल अपनाएगा कि किस तरीके से अपनाएगा। तो आपको उस सेट के अंदर, वो जो एलिमेंटल सेट है आपका, यानी कि फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, तो उसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? यहां पर कौन सा एलिमेंट दिख रहा है मल्लिकार्जुन जी? आपको चार्ट नहीं दिख रहा है, आप मेरे को जवाब दीजिए। मैं बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं, जो बर्थ चार्ट है राइट हैंड साइड पे, मतलब राइट साइड में है, जो राइट साइड में जो बॉटम में है चार्ट, बर्थ चार्ट बहुत जो सबसे बड़ा दिख रहा है, उस चार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमने कहा कि लग्ना लॉर्ड, मून और सन। तो लग्ना लॉर्ड मून है, मून अपने आप में है ही, और फिर सन हो गया। ये तीनों मिलकर, अगर हम इनको तीनों ही ले लें, तो ये तीनों कहां पर आ गए? ये सेकंड और टेंथ साइन में आ गए। तो मैंने आपको जो एलिमेंट्स लिखवाए थे उसमें सेकंड साइन, सिक्स्थ साइन और टेंथ साइन जो है वो कौन से एलिमेंट का है? वो अर्थ एलिमेंट का है। ठीक है जी, वो अर्थ एलिमेंट का साइन है। तो अर्थ एलिमेंट के साइन होने से इस व्यक्ति का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? वो प्रैक्टिकल नेचर जो है वो फॉलो करेगा। व्यक्ति प्रैक्टिकल नेचर जो है वो लाइफ में फॉलो करेगा। ठीक है जी, एंड इंटेलेक्ट ड्रिवन ड्यू टू सन इन एक्वेरियस। सन एक्वेरियस में थोड़ी ना है भैया, सन कैप्रिकॉन में है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऊपर देखिए, बर्थ चार्ट कैप्रिकॉन में है। इंटेलेक्चुअली तो ड्रिवन वो तब होगा ना जब वो एक्वेरियस में होगा, या तो कैप्रिकॉन में है, एक्वेरियस में नहीं है। इंटेलेक्ट को आप तभी लेंगे जब 3711 ये आपका काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो बहुत रिक्वायर्ड रहती है हर चीज में। कैसे? एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में मूवेबल साइन बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब लेकिन ना उसका लग्ना लॉर्ड जो है
वो मूवेबल में है, ना फिक्स मूवेबल, ना सन मूवेबल में है, ना मून मूवेबल में है। लेकिन आपने देखा कि उस व्यक्ति का फोर्थ हाउस भी मूवेबल साइन में है और फोर्थ लॉर्ड भी मूवेबल साइन में है, तो आपकी अपनी सोच समझ उस चार्ट के बारे में क्या कही। मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस मूवेबल साइन में है, यानी कि चौथे घर में आपके पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि या दसवीं राशि आ गई, और जो आपका लग्न और जो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जो चतुर्थ भाव का आपका स्वामी बनेगा, वो भी आपका मूवेबल साइन में आ गया, एक चार सात दस में कहीं पर आ गया, तो आप प्रिडिक्शन क्या देंगे सामने वाले? आप ये पूछोगे कि भैया आपने घर कितने बदले, ठीक है, आपके घर कितने बदले हैं, कितना आपने अपने घरों को चेंज किया, उससे आपको पता चलेगा वो मूवेबल साइन कितना एक्टिवली काम उसकी लाइफ में कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, इसके अलावा घर चेंज करता रहेगा, नॉट गुड स्लीप, समझा नहीं भाई, नॉट गुड स्लीप। स्लीप का संबंध आप फोर्थ हाउस से काहे ले रहे हैं? स्लीप का संबंध तो बारहवें घर से है ना। बारहवें घर में अगर परेशानी होगी तो नींद नहीं आएगी बढ़िया। बारहवां घर, यहाँ तो चौथे घर की बात हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है, हमने बात की कि अगर व्यक्ति का चौथा घर मूवेबल साइन में है, चौथे घर का स्वामी मूवेबल साइन में है, तो क्या होगा, व्यक्ति के घर बदलेंगे। अब यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि आप का लग्न मूवेबल साइन में है, लग्न लॉर्ड मूवेबल साइन में है, तो हम क्या कहेंगे, वहां हमने क्या बोला, घर बदलते रहेंगे, यानी कि घरों में मूवमेंट आ रही है। यहां पे किस में मूवमेंट आ गई, आपके अंदर खुद में आ गई। हम क्या बोलेंगे, अरे भाई ये भटकता ही रहेगा, भटकना इन द सेंस बेसिकली, उसको वैसा भटकना नहीं कि मतलब हर दिन वैसे भटक रहा है, बेसिकली वो थोड़ा सा ऑन द मूव रहेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही, हाँ जी आप ये कह सकते हैं अस्थिर रहेगा, और ऐसे आदमी को ना एक जगह टिकाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको कि मूवेबल साइन और ये जो साइन है ना, कई लोग मेरे से कहते हैं कि आप साइंस पर बहुत जोर देते हो, काम तो घरों का है, लेकिन अगर आप किसी का चरित्र चित्रण करो या उसकी चीजों में बैलेंस बैठाने की कोशिश करो, तो देखिए दिक्कत क्या आती है। एक बैलेंस कुंडली और एक इम्बैलेंस कुंडली में क्या फर्क होता है वो समझिए। मान लीजिए किसी का टेंथ लॉर्ड, किसी का टेंथ लॉर्ड फिक्स्ड साइन में क्या है, टेंथ लॉर्ड फिक्स्ड साइन में है और लग्न लॉर्ड मूवेबल साइन में है, दूसरे व्यक्ति का, ये पर्सन ए है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, एक है पर्सन ए, पर्सन ए की कुंडली में लग्न लॉर्ड जो है वो मूवेबल साइन में है और टेंथ लॉर्ड जो है वो फिक्स साइन में। जो पर्सन बी है उसकी कुंडली में लग्न लॉर्ड फिक्स साइन में है और टेंथ लॉर्ड भी फिक्स साइन में है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों लोगों में अपने करियर को आसानी से चलाने
का कार्य कौन सा व्यक्ति कर पाएगा, कौन सा व्यक्ति अपने करियर को आसानी से चला लेगा? अरे भैया ए मत बोलिए, काहे ए बोल रहे हैं, बी बोलिए। अब यहां पे बी को क्यों कहा मैंने, देखिए मैंने पहले ही कहा आपको, जब मैंने आपको हाउसेस करवाए आप सब लोगों को, मैंने आपको बोला कि लगना लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। आपका लगना लॉर्ड कहां आया? आपका लगना लॉर्ड आ गया मूवेबल साइन में, और आपका टेंथ लॉर्ड आ गया फिक्स साइन में। आपका कर्म क्या कह रहा है? कर्म कह रहा है टिककर कार्य कीजिए, आपको टिककर कार्य करना है। और लगना लॉर्ड क्या कह रहा है? लगना लॉर्ड कह रहा है चलो यार मूव करते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा वो करते हैं। तो क्या हो गया, दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा व्यक्ति जो है जिसका लगना लॉर्ड भी फिक्स साइन में है, टेंथ लॉर्ड भी फिक्स साइन में है, उस व्यक्ति को सामंजस्य बिठाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका कार्य भी स्थिरता वाला होगा और वो व्यक्ति खुद भी स्थिरता ही पसंद करेगा। ठीक है जी। अब कई लोग बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इन सेम कंपनी चेंजिंग रोल्स, लॉन्ग ड्यूरेशन इन सेम कंपनी एंड सक्सेसफुल इन रोल। ओके, मतलब आपने ये अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दिए यार, या आप बता रहे हैं किसी का, लाइक के यू हैव सम हॉरोस्कोप विद यू एंड यू आर टेलिंग कि जो मैंने कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बता रहे हैं, लाइक वैसा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा प्लैनेट्स को वट एवर कंडीशन यू हैव गिवन, ओके फाइन बढ़िया। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले प्लैनेट्स को लेना है। प्लैनेट्स में लगना लॉर्ड सन एंड मून, इनको पकड़िए, इनकी प्लेसमेंट देखिए, उन राशि जिन राशि में प्लेसमेंट है उनके मूवमेंट को देखिए, देन इनके नेचर को फर्दर डिकोड करने के लिए कौन से एलिमेंट का ये बंदा है उसको देखिए, आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में भी एलिमेंट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है। जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत बड़ा रोल है। अब आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कोरोना वायरस के अंदर हर आदमी जो है वो अपने को सेफगार्ड करके चल रहा है। अब यहाँ एलिमेंट्स कैसे रोल प्ले करेंगे उन सब चीजों में देखिए। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है जी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी मींस रेजिस्टेंस टू डिजीज, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर मैंने आपको चार एलिमेंट यहां पर बताए, चार एलिमेंट में कौन, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, इन चारों एलिमेंट्स में आप लोगों को क्या लगता है, विच एलिमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट इम्यूनिटी पावर, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कौन से एलिमेंट के पास रही? जिसके पास अग्नि उसके पास प्रोटेक्शन,
तो जिस व्यक्ति के चार्ट में अग्नि प्रबल होगी वो व्यक्ति जो है वो रेजिस्टिव होगा, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। फायर एलिमेंट की प्रबलता आपके चार्ट में आपकी क्विक हीलिंग के बारे में बताती है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा किसी भी रोग से। ठीक है जी, किसी भी रोग से बहुत जल्दी ये व्यक्ति जो है वो रिकवर करेगा। When you looking at 10th lord for example, are you referring 10th Rashi in Rashi chart or the KP chart? राजवीर जी, यहाँ हम केपी चार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जब मैं 10th लॉर्ड की बात करूंगा कि हु इज माय 10th लॉर्ड, देन इट मींस कि विच एवर राशि इज फॉलिंग इन द केपी चार्ट द लॉर्ड ऑफ दैट राशि बिकम्स माय 10th लॉर्ड। ठीक है जी, तो केपी को ध्यान में रखिए। जहां भी बात हाउस की हो गई, हाउस लॉर्ड की हो गई या प्लैनेट इन हाउस की हो गई, तो इट मींस केपी चार्ट। जहां बात प्लैनेट इन राशि की हो गई तो राशि चार्ट। सिंपल सर, केपी चार्ट में जो राशि मिस भी हो जाती है, एक्चुअली कुछ चार्ट्स में प्लैनेट को भूख ज्यादा लगती है तो वो राशि को खा जाते हैं। ये तो हो गया मेरा आंसर, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो है वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन को लेकर है कि प्लेसिडस हाउस डिवीजन जो है उसके अकॉर्डिंग जो हाउसेस हैं उनका जो एरिया होता है वो एरिया इंक्रीज हो जाता है। जिस एरिया के इंक्रीज होने से आपकी राशि जो है जिसका एक फिक्स पैन है वो चला जाता है। मैं चाहता हूं आप एक बार, मैंने एक वीडियो जो है वो YouTube पे डाली हुई है कि वाय भाव चलित चार्ट इज सो इम्पोर्टेंट, तो आप सब लोग उस वीडियो को एक बार देखिएगा तो आप लोगों के बहुत से डाउट जो है इस चीज को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कमिंग बैक टू द रेजिस्टेंस पार्ट, जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे के रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, फायर का। फायर के बाद जो रेजिस्टेंस है बॉडी में वो किसका है, अर्थ एलिमेंट का है। ठीक है जी, पृथ्वी तत्व का है। उसके बाद रेजिस्टिव कौन होता है, उसके बाद रेजिस्टिव होता है आपका एरी साइन, जो आपके एयर एलिमेंट वाले साइन। एंड उसके बाद जाके जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होती है, जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है, सबसे ज्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव बॉडी होती है, वो है वाटरी साइन। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं जिनका लग्न लॉर्ड वाटरी साइन में है, सन मून वाटरी साइन में है, और लग्न लॉर्ड को तो ले ही लीजिए, जितने भी लोग हैं जिनका लग्न लॉर्ड वाटरी में है मेनली, प्लस अगर सन मून भी है तो वो और ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, अदरवाइज लग्न लॉर्ड अलोन भी काफी है उस चीज को लेकर, तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव हो जाएंगे अपने शरीर से। ये वैसे भी सेंसिटिव होंगे, मन से भी सेंसिटिव होंगे, शरीर से भी सेंसिटिव। इनफैक्ट जैसे मैं बताऊं कि अगर आप इनकी स्किन पर जरा सा जैसे चूटी भरते हो तो आपको इनकी स्किन में जो है वो रेडनेस दिखेगी, तो आपको इनकी स्किन से ही पता चल जाएगा कि ये लोग जो है वो कितने सेंसिटिव है। तो वो जो सेंसिटिव पार्ट है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की जो वो है वो ज्यादा है उनके बॉडी। ठीक है जी, प्लेनेट एक्टर हाउस स्टेज राशि एनवायरमेंट। बिल्कुल श्रीनिवास जी, प्लैनेट एक्टर हैं, हाउस स्टेज है, राशि एनवायरनमेंट है, तो यहां पे एक्टर आप हैं, स्टेज आपका घर है, राशि वो कपड़े हैं जो आपने डाले हैं। ठीक है,
तो एक्ट कीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है जी। तो मेरी एक्टिंग जो है वो अभी खत्म हो गई है, कल हम मिलेंगे 9 बजे इसी समय, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, कल हम और जो बाकी जो बेसिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो कल मिलते हैं सेम समय, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। बुक पब्लिशिंग का कौन सा हाउस? राजवीर जी, बुक पब्लिशिंग का 9th हाउस है। कल जब क्लास स्टार्ट होगी, आप सब लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा, अपने जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करने के लिए, एंड देन हम क्लास आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। शुभ रात्रि। स्केड्यूल में आप लोगों को कल जो है, कल क्लास से पहले पहले मैं आपको बाकी का सारा स्केड्यूल जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, ओके।